नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल निवासी प्रोडक्शन से आपका स्वागत करता हूँ। माई स्टोरी सीरीज पर अपनी स्टोरी बतला रहे हैं पारस जायसवाल जी, बहुत फेमस राइटर है। नमस्कार, मेरा नाम पारस जायसवाल है। मैं फिल्म इंडस्ट्री में एक लेखक हूँ और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि मैंने अब तक 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं, 60 से ज़्यादा सीरियल में, 5000 से ज़्यादा एपिसोड लिखे हैं, 12 फिल्में मेरी रिलीज हैं। और ये जो आंकड़ा है कि 5000 से ज़्यादा एपिसोड, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का भी एक रिकॉर्ड है कि इतनी उम्र में इतना 5000 से ज़्यादा एपिसोड, 300 से ज़्यादा स्टोरी जो अब तक स्क्रीन पर आ चुकी है। आज मैं आप लोगों के साथ अपने जीवन की कुछ घटनाएं, कुछ अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में तमकुही राज नाम की एक जगह है जहां मेरा जन्म हुआ। वो एक छोटा सा मार्केट है, बाजार है। मेरे पिताजी बिजनेस से जुड़े थे, उनकी अपनी एक दुकान थी। मेरे भाई साहब आज भी उसी तमकुही राज में दुकान चलाते हैं, मेरे भतीजे दुकान चलाते हैं। तो इस तरह के परिवार से मैं आया हूँ। खास बात यह थी कि हमारे परिवार में मेरे भाई साहब एक बहुत अच्छे रीडर हैं और हमारे अपने घर में एक अच्छी लाइब्रेरी बनी हुई थी कि मेरे घर से लोग किताबें लेकर जाते थे पढ़ने के लिए। मेरे भाई साहब किताबों के संरक्षक थे और बहुत अच्छे एक पाठक थे, जिसकी वजह से मुझे भी बचपन से ही किताबें पढ़ने की आदत पड़ गई। तरह तरह की किताबें, उपन्यास से, और पढ़ने में मैं काफ़ी तेज भी था। तो इस हद तक पढ़ना शुरू कर दिया मैंने कि एक दिन में 3-3 उपन्यास से पढ़ जाता था। और इस तरह दोस्तों के बीच एक चैलेंज शुरू हुआ। शायद मेरी उम्र रही होगी 15 या 16 साल, जब मैंने दोस्तों को अपनी कहानियां सुनानी शुरू की। दोस्त सुन के हैरान होते थे क्योंकि जितने भी दोस्त थे सब मुझसे 8 साल 10 साल बड़े थे। मेरे एज के कोई दोस्त मेरे अपने नहीं थे और सब इस तरह के पाठक थे, उपन्यास पढ़ने वाले, फिल्में देखने वाले, और कोई कोर्ट में काम करता है, कोई कहीं काम करता था, इस तरह के लोग मेरे दोस्त थे। और उनको मैं अपनी जासूसी कहानियां सुनाया करता था, तो वो इतने खुश होते थे और इतने हैरान होते थे ये सुन के कि मुझे उन लोगों ने इंसिस्ट करना शुरू किया कि लिखते क्यों नहीं। ये बात मेरे भाई साहब तक पहुंची। भाई साहब को पता लगा कि मैं जासूसी कहानियां, इतनी लंबी कहानियां, उपन्यास इस तरह की सोच रहा हूं, और सोचा है मैंने। तो भाई साहब ने खुद मुझसे पूछा कि तुम मुझे अपनी कहानी बताओ। एक बार बैठा मैंने उनको अपनी कहानी सुनाई और वो कहानी सुनने के बाद उन्होंने कहा लिखना शुरू करो। मैं बोला अरे मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा लिखने के लिए। सोचना अलग बात है कि मैंने पूरी रात जाग के कहानी सोच ली, दोस्तों को चैलेंज था सुनाना, मैंने सुना दिया, लेकिन अब लिखने बैठूंगा 6 महीने तो लिखने में लग जाएंगे, इतनी मोटी उपन्यास, इतनी लंबी कहानी। तो मेरे भाई साहब ने लिखना शुरू किया, लेकिन उन्होंने लिख के जब मुझे दिखाया तो मुझे पसंद नहीं आया, तो मेरे ऊपर नाराज हो गए। वो बुरी तरह नाराज हुए कि मुझे मैं लिख रहा हूं तुम्हें पसंद नहीं आ रहा और तुम खुद लिखोगे नहीं, होगा क्या। मैं बोला ठीक है, जब वक्त आएगा लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद ये सिलसिला चल निकला कि मैं, दोस्त मुझे चैलेंज करते कि कल कहानी सुना रहे हो, मैं बोलता था हाँ सुनाता हूँ। रात भर जाग के टहलते हुए टेरेस पर मैं कहानियां सोचता था और मेरी माँ आके परेशान होते हुए मुझे कहती थी कि क्या कर रहे हो तुम, नींद नहीं आ रही तुमको, चलो सो जाओ। मैं बोलता था माँ थोड़ा सा सोच लूँ, पहले कहानी सुनानी है, कल उन लोगों को कहानी सुनानी है। और सुनाता था मैं। पूरे एरिया में एक अच्छे लेखक के रूप में मेरा नाम हो गया। तब तक मैंने एक अक्षर लिखा नहीं था, सिर्फ सोचना और सुनाना ये काम था। और बड़े अच्छे अच्छे लोग दोस्त बनते चले गए कि एसडीएम ऑफिस के लोग मेरे दोस्त बन गए। 16 साल 17 साल की एज थी मेरी और उस वक्त इस तरह के लोग मेरे दोस्त थे। कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों के साथ दोस्ती, मतलब उस तरह का माहौल बनना शुरू हुआ। और उसी वक्त की एक खास बात और मुझे याद आती है कि उस वक्त चित्रहार आया करता था दूरदर्शन पे, तो मेरी मेमोरी इतनी अच्छी थी कि ये भी एक चैलेंज था कि दूरदर्शन में 3-4 गाने नए आते थे, 3-4 गाने पुराने आते थे, तो जो भी नए गाने आते थे वो मेरे दोस्त चैलेंज करते थे, मुझे कहते थे कि याद करो, और मैं सबको चुप करा के, सबको खामोश करके, और वो गाना चुपचाप सुनता था और गाने चित्रहार खत्म होने के बाद लिख के उनको दे देता था। वो गाने एक बार में, मतलब कितना भी लंबा गाना हो, गाना चाहे 5 मिनट का हो या 10 मिनट का हो,
एक बार में याद करने की मेरी मेमोरी थी और ये गारंटी थी, तो इस बात के लिए भी पूरे एरिया में मेरा बहुत अच्छा नाम हुआ। सब लोग इस बात के लिए मुझे प्रेरित करते थे कि तुम लिखना क्यों नहीं शुरू कर रहे हो, लिखना क्यों नहीं। लेकिन मुझे लगता था कि लिखना एक बोरियत वाला मामला है, कि अपने कॉलेज का स्कूल का काम छोड़ के, दूसरे काम छोड़ के मैं उपन्यास लिखना शुरू करूं, और ये भी इतना मोटा, मतलब 300 पेज के उपन्यास होते थे, 250 और 300 पेज के, और कहानियां भी उतनी लंबी होती थी मेरी, तो अब इतना लंबा, इतना 6 महीने 4 महीने लिख रहे, तो सोच के ही मैं परेशान हो जाता था कि नहीं मैं नहीं लिख सकता। और इस तरह वक्त गुजरा, 2 साल 3 साल, तकरीबन मेरी एज 19 साल रही होगी, और मैं एज इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि 70 का जन्म है और ये 89 की बात है कि मैंने लिखना शुरू किया। मेरी माँ चाहती थी कि मैं लिखूँ, दूसरों से सुन के वो भी मुझे प्रेरित किया करती थी कि लिखते क्यों नहीं। मैं बता था लिखूँगा माँ, बाद में लिखूँगा। और 88 में मेरी माँ स्वर्ग से हार गई, तो मुझे उनकी ख्वाहिश याद थी। और पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ कि 89 में मुझे ऐसे मौके मिले कि मैंने लिखना शुरू कर दिया। मतलब कुछ हद तक मैं फ्री था, वक्त इतना था कि मैंने सोचा लिख सकता हूँ, और मैंने पता नहीं कैसे प्रेरित हुआ और कैसे मैंने लिखना शुरू कर दिया। उस वक्त मैंने 3 उपन्यासें लिखी एक एक करके, नसीब की साजिश, डरावनी खुशबू, और तीसरी उपन्यास का नाम था साजिश के 3 दिन। ये 3 उपन्यासें लिखने के बाद जिसने भी पढ़ा उसने तारीफ की, और सब ये कहते थे कि तुम जाते क्यों नहीं हो दिल्ली, जाओ मेरठ जाओ जहां उपन्यासें छपती हैं। लोगों के कहने पर मैंने सफर शुरू किया। सबसे पहले चिंगारी प्रकाशन बनारस पहुंचा, जो बहुत बड़े लेखक हैं, उनका अपना प्रकाशन है, उनके यहां पहुंचा। चूंकि वो एक पहले जो लिखते थे उनके बेटे भी बाद में लिखे, तो इस तरह से वो चला आ रहा था, क्रांतिकारी उपन्यासों के माहिर थे वो, और उनकी उपन्यासें मुझे पसंद थी। उनके यहां जब पहुंचा लिखने के लिए तो उनके बेटे थे सजल कुशवाहा, जो तीसरा नस्ल था लिखने का, उन्होंने उस वक्त तक 20-22 उपन्यासें लिख ली थी, उनके पिताजी लेखक, दादा लेखक, मतलब वो खानदान ही चला आ रहा था लेखन में। उनसे मैंने कहा कि मैं अपनी उपन्यास आपके यहाँ छपवाना चाहता हूँ, ये लेके आया हूँ। उन्होंने उपन्यास ली, मुझे देखा, मैं बच्चे की जैसा दिखता था, एकदम दुबला पतला, और एज भले 20 साल की 21 साल की हो चुकी थी, लेकिन देखने में 18 साल का लगता था, सिंपल, वेरी सिंपल व्यक्तित्व। उन्होंने सामने बैठाया, पढ़ना शुरू किया, 50 मिनट 1 घंटे तक तकरीबन वो मेरी लिखी हुई उपन्यास, छपी हुई, मतलब टाइप की हुई, पढ़ते रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ दादाजी की छपती थी, मेरे पापा की छपती थी, और अब मेरी छपती है, हम बाहर के किसी की भी नहीं छापते, लेकिन तुम्हारी उपन्यास मैंने इसलिए पढ़ी, देखना चाहता था कि तुम कैसा लिखते हो, मैं तुम्हें कहीं तुम्हारी उपन्यास छपे न छपे जो भी हो, लेकिन अपनी लेखनी मत रोकना, लिखते रहना बस, क्योंकि एक दिन तुम छपोगे, एक दिन तुम मार्केट में आओगे और तुम्हारा बहुत बड़ा नाम होगा, मेरी ये सलाह है। सजल कुशवाहा ने कहा था मुझे, उपन्यास के बहुत बड़े लेखक ने। मैंने उनसे बात की, फिर उन्होंने कहा कि अगर छपवाना है तो जाओ मेरठ में जाके लोगों से बात करो, यहाँ भी ऐसा माहौल है कि बहुत पैसे खर्च होते हैं पब्लिसिटी और प्रचार में, किताबों में, मैगजीन में, अखबारों में, हर जगह, उसके बाद कहीं कोई उपन्यास छपती है और बिकती है। वहाँ से बनारस से मैं मेरठ गया, मेरठ में कई पॉकेट बुक्स, कई प्रकाशक से मिला, वहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही सामने आया। वहीं मुझे किसी ने फीडबैक दी कि अगर आप अपनी उपन्यास बेचना चाहते हैं तो दिल्ली में जाइए, दिल्ली की ये नामी पॉकेट बुक्स है, प्रकाशक हैं, जो उपन्यासें खरीद के किसी एक लेखक के नाम पर छापते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी कंट्रोवर्सी में, मुद्दे में पढ़ना नहीं चाहता। तो वहां से मेरठ से मैं सीधे दिल्ली पहुंचा, वहां पॉकेट बुक्स में गया, वहां जाके मैंने उपन्यासें दी, ये मेरी लिखी हुई उपन्यास है। और मैं ये सोच के गया था कि ये पॉकेट बुक्स वाला भले ही मेरी उपन्यासें खरीद के किसी और के नाम पर छापे, लेकिन मैं 2-3 किताबें इसको दूंगा, 2-3 किताबें मेरी पढ़ने के बाद ये समझ जाएगा ना कि मेरी अपनी कैपेसिटी क्या है, मैं किस हद तक और क्या लिख सकता हूं, उसके बाद मैं इसे बोल पाऊंगा कि आप अगर मेरे नाम पर छापते हैं तो मैं दूंगा। मेरी किताबें वो पढ़ चुका होगा, मुझे समझ चुका होगा कि मेरी क्षमता क्या है, उसके बाद वो मेरे नाम पर छापने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो मेरी स्ट्रेटजी या रणनीति ये थी जिसकी वजह से मैं वहां गया।
लेकिन वहां जाके मालूम हुआ कि वो इतने कम पैसे दे रहे थे कि मैं वहीं से उपन्यास उठाया और लेके वापस आ गया, वापस आ गया। लेकिन हाँ, मुझे ये बात याद थी सजल कुशवाहा की कि एक बार नहीं छपोगे, अभी नहीं छपोगे, भले एक साल, दो साल, पांच साल बाद तुम्हारी उपन्यास छपनी शुरू हो, लेकिन जब छपनी शुरू होगी तो लगातार तुम्हें उपन्यास देनी होगी। तो अपने कलम मत लिखना, लिखते रहना, बस लिखते रहना। मैं वापस लौटा और मेरा उपन्यास लिखना शुरू ही रहा। लेकिन फिर हालात बदले, घर में कुछ ऐसे माहौल क्रिएट हुए कि मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया। कई बार हम ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। जैसे आज मैं कहता हूं कि मैंने इतना लिखा, 60 से ज्यादा सीरियल, 5000 से ज्यादा एपिसोड, इतना लिखा। लेकिन आज भी खुले तौर पर मेरा ये मानना है कि हम खुद कुछ नहीं करते, हमारा प्रारब्ध हमसे करवाता है, हमारी तकदीर करवाती है। और तकदीर, हमारा अपना प्रारब्ध, जिसे जहां पहुंचाना होता है उसे वहां पहुंचाता है, वो खुद रास्ते बनाता है। आप कुछ भी सोचें, कुछ भी करें, वो रास्ते बनाता है और आपको उस जगह तक पहुंचाता है। इसमें सफलता असफलता सारी चीजें आती हैं, लेकिन आप पहुंचते हैं अपनी मंजिल तक। जैसे मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं मुंबई जाऊंगा। मेरे दिमाग में एक ही बात थी, मेरा मकसद एक ही था कि मैं अपने गांव में रहकर उपन्यास लिखूंगा, वो उपन्यास दिल्ली या मेरठ से छपेंगी, छपती रहेंगी। ये दौर था 90 का 91 का, जब कोई प्राइवेट चैनल नहीं था, जब सिर्फ दूरदर्शन आता था, जब सिर्फ फिल्में हम थिएटर में देख सकते थे। ये वो वक्त था और लोगों के घर में उपन्यास पहुंचती थी, कि लोग घरों में उपन्यास पढ़ा करते थे, किताबें पढ़ा करते थे, अखबार पढ़ा करते थे। वो पढ़ने का दौर था और इसीलिए मेरा ये मकसद था कि मैं अपने गांव में ही रहूंगा, कहीं जाने की मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं अपने यहां रहकर उपन्यास लिखता रहूंगा। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि मैं किसी को मन ही मन पसंद करता था, माहौल गांव का ऐसा था और मैं बहुत ही अच्छा इंसान माना जाता था। मेरी शादी उसके साथ तय हुई, क्योंकि ये भी सच है कि शादी तय हुई, उसके बाद मैंने उसे देखा, मैंने उसे पसंद किया, सब कुछ। और मामला खड़ा हुआ दहेज को लेकर, मामला खड़ा हुआ अहंकार को लेकर, और इस तरह के मामलों ने मेरे शादी के मामले को बिगाड़ कर रखा। कहीं ना कहीं मामला ये था कि मेरी माँ उस वक्त तक गुजर चुकी थी। मैंने बताया आप लोगों को कि 88 में मेरी माँ गुजर गई, तो 89 में पता नहीं कुछ ऐसे संयोग बने कि मैंने लिखना शुरू किया। और ये घटनाएं हैं 91 की, कि मेरी शादी की तैयारियाँ, बातें, सब कुछ, मेरी शादी की सारी तैयारियाँ मेरी बहन शकुंतला और मेरे जीजा सुधीर कुमार जायसवाल कर रहे थे, क्योंकि वो लोग मेरे लिए खुद को जिम्मेदार समझते थे, मेरी जिम्मेदारी उठा रहे थे। उनकी आंखों में भी एक ही ख्वाब था कि मेरी शादी हो जाए। लेकिन मामला यहाँ अहंकार का आगे पहुँचा, और खास बात यह थी कि मेरी जो शादी तय हुई थी वो उन्हीं के गांव में एक लड़की के साथ तय हुई थी, और वो लड़की इतनी अच्छी थी कि मैं उसे कहीं से ठेस पहुँचाना नहीं चाहता था। एक सम्मानित लड़की थी और शादी की वजह से मेरा नाम जुड़ा था, किसी और वजह से नहीं। मैं उस गांव में कभी जाता नहीं था, आना जाना नहीं होता था, बस एक बार एक झलक देखा था और पसंद कर लिया था और शादी तय हो गई थी। लेकिन वहां माहौल बिगड़ा, दोनों परिवारों में दुश्मनी हो गई, मतलब मेरे जीजा श्री सुधीर जायसवाल के परिवार में और मेरे उन लोगों के परिवार में, और माहौल इतना बिगड़ा कि मैं समझ गया कि शादी नहीं हो सकती। और उसी वक्त मैंने ये फैसला किया था कि मैं अपने गाँव में नहीं रहूँगा, क्योंकि यहाँ रहूँगा तो हो सकता है लोग मेरे साथ उस लड़की के नाम को जोड़ने की कोशिश करें, तो मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। और उसके बाद मैंने फैसला किया गांव छोड़ के निकलने का, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और मुंबई का एक दोस्त मिला और उसके साथ मैं मुंबई आ गया सीधे। लेकिन यहाँ भी कहानी में एक खास बात और है कि मुंबई में 5 साल रहने के बाद भी जब मैंने वापस शादी की तो उसी लड़की से, जिनका नाम है सुनीता जायसवाल, जो आज मेरी धर्मपत्नी है। मैं अपने एक दोस्त के साथ मुंबई आ तो गया, लेकिन उस दोस्त का फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था। वो एक सीधा साधा धंधे वाला इंसान था, और कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है, तो वो तिनके का सहारा था मेरे लिए, जिसके सहारे मैं मुंबई में दाखिल हो चुका था।
मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे सर्टिफिकेट और मेरी लिखी उपन्यासों के अलावा। मुझे यह भी मालूम था कि प्रकाशक जितने भी है मेरठ में, जितनी उपन्यासें प्रकाशित होती है मेरठ और दिल्ली से प्रकाशित होती है, मुंबई से बहुत कम किताबें प्रकाशित होती हैं। और क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र है तो अगर यहां प्रकाशित भी होती हैं तो ज्यादातर मराठी की किताबें। लेकिन मुंबई से एक किताब आती थी जिसका नाम था करमचंद, जो काफी फेमस थी, उसको लोग रेलवे स्टॉल से खरीद खरीद के पढ़ते थे। उसमें 6 कहानियां होती थी और भी कई सारी चीजें होती थी उसमें, तो लोग उसे पढ़ते थे और वो प्रकाशित होती थी अंधेरी के लोखंडवाल से। मेरे पास उस किताब की एक कॉपी थी और उसके एड्रेस पर मैं अपनी उपन्यास लेके जा पाऊंगा। वहां मैंने अपनी उपन्यास दी। नतीजा ये रहा कि वो उपन्यास पढ़ने के बाद वो लोग हैरान थे, मेरे सामने दावा कर रहे थे कि वो उपन्यास मेरा लिखा हो ही नहीं सकता, इतने डीप में जाके मैं कैसे लिख सकता हूं। वो मेरी एज पूछे, मेरी क्वालिफिकेशन पूछे, मेरी एज पूछे, मुझसे ये पूछा उन्होंने कि आपकी शादी हो गई, मैंने कहा नहीं। और उनका सवाल ये था कि फिर इतने डीप में जाके आप कैसे लिख सकते हैं, ये आपका लिखा नहीं हो सकता। मेरे सामने बैठा हुआ कोई शख्स मेरी कहानी के लिए दावा कर रहा था कि मेरा लिखा हो ही नहीं सकता, और मुझे मजा आ रहा था कि वाह मैंने क्या लिखा है कि अगला यकीन नहीं कर पा, मैं जोश से भरा हुआ था। फिर वहां से मुझे ऑफर मिला कि आप हमारे लिए कवर स्टोरी लिखिए, और वहीं से मेरा लिखना शुरू हुआ करमचंद में कवर स्टोरी। उसके बाद तुरंत जेम्स बॉन्ड नई सीरीज शुरू हुई उनकी, जेम्स बॉन्ड में मैंने कवर स्टोरी लिखनी शुरू की। खास बात यह रही इसमें कि मैं जो अपने तमकुही राज कुशीनगर से आया था, किसी को बता के नहीं आया था कि मैं मुंबई जा रहा हूं कि कहां जा रहा हूं। और मैंने सोचा था कि किसी को खबर नहीं लगने दूंगा, जिसे ढूंढा है ढूंढता रहे, लेकिन मैं किसी को खबर नहीं लगने दूंगा कि मैं कहां हूं। लेकिन विडंबना देखिए कि मेरे मुंबई आने के 15 दिन बाद मेरी जेम्स बॉन्ड किताब में, करमचंद मैगजीन में मेरी कहानी छपने लगी, और पहले पेज पर ही वो कहानी होती थी और ऊपर नाम होता था। तो मेरे यहां मेरे दोस्त वो किताबें पढ़ते थे और लेके पढ़ के समझ गए, अरे पारस जायसवाल ये तो मुंबई पहुंच गए। सबको पता लग गया कि पारस जायसवाल सुरक्षित है, अच्छे हैं और मुंबई में अब किताबें लिख रहे हैं, अब लिखनी चल पड़ी है। इस तरह का एक माहौल बना वहां पे। खैर यहां यहीं से अगर कहा जाए उसी ऑफिस से फिल्म सिटी, किंग स्टार, आर पार, इस तरह की किताबें निकलती थी। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। वहीं के लोगों ने, मेरे कुछ दोस्त आज भी दोस्त हैं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया इस बात के लिए कि आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, फिल्मों के लिए ट्राई कीजिए। एक बात और बता दूं कि उस वक्त जब मैं मुंबई में आया था, उसी वक्त प्राइवेट चैनल की लॉन्चिंग शुरू हो गई थी, शुभवाहट शुरू हो चुकी थी, सुनने में आ रहा था कि प्राइवेट चैनल आ रहे हैं अब। तो ये एक बात थी, और मुझे ये कहा गया कि आप फिल्मों के लिए लिखने की ट्राई कीजिए, उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप फिल्म राइटर्स एसोसिएशन का मेंबर बने। तो मेंबर बनने के लिए मैंने कोशिशें शुरू की और फिर फिल्म राइटर्स एसोसिएशन का मेंबर बना। उसके बाद मैंने भागदौड़ शुरू की, लोगों से मिलना मिलाना शुरू किया। बस एक ही बात थी कि मैं थ्रिलर इतना अच्छा लिखता था कि जिसके साथ एक बार बैठ गया वो आदमी मेरा फैन बन जाता था। मेरे बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आज भी हैं जो उस वक्त मिले थे मुझे, और उनको जब मैंने कहानी सुनाई तो वो मेरे पीछे फैन, कैसे सोचता है तू, कैसे लिखता है तू, क्योंकि मैं बच्चे की तरह दिखता था और सब लोग, और यहाँ तो फ्रेंडली बात होती है कभी भी। ये और बात है कि आज लोग आप कह के एक दूसरे से, लेकिन बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं जहाँ आज भी हम जब एंट्री करते हैं तो फ्रेंडली बात होती है, कैसा है तू, कहाँ है तू, तो इस तरह का माहौल था। तो वो मेरे से कहते थे कैसे सोच लेता है तू, कहीं CBI में था क्या, किसी CID में था क्या, इतना डीप में जाके कैसे सोच लेता है। सब हैरान होते थे, और इस हैरानी ये उनकी हैरानी ही मेरे लिए सीढ़ियां बनी कि वो मेरे इतने फैन हो जाते थे कि बोलते थे कि तुम वहां जा उस डायरेक्टर से जाके मिल, वो थ्रिलर स्टार्ट कर रहे हैं, जाके उनसे मिल। तो इस तरह से मैं उस वक्त अधिकारी बरदस में गया जहां मार्शल चल रहा था,
वो लिखने की शुरुआत की। मैं था थ्रिलर लिखने वाला, पूरी तरह थ्रिलर उपन्यास और थ्रिलर किस्म की कहानियां, मर्डर, ये वो, जासूसी, इन्वेस्टिगेशन, ये सारा कुछ लिखने में मैं माहिर था। और दूसरी विडंबना देखिए कि टीवी पर मेरी पहली सीरियल जो टेलीकास्ट हुई वो थी कॉमेडी, उसका नाम था पलटन, जिसमें अंजन श्रीवास्तव ने काम किया था। एक थ्रिलर लिखने वाला कॉमेडी लिख रहा था और पहली बार कॉमेडी सीरियल ही उसका सामने आया। और दूसरी खास बात कि वो सीरियल मैं अकेले नहीं लिख रहा था, मेरे साथ एक बहुत ही जीनियस, बहुत ही सीनियर राइटर लिख रहे थे जो कॉमेडी के महारथी माने जाते थे। और उनके उन्होंने खुद मेरे जब एपिसोड देखे, मेरे लिखे हुए, तो वो ऑफिस आए थे, ऑफिस में मुझसे मिलने आए थे। और मुझे मिल के उन्होंने, जब मैं मिला तो मैंने कहा सर आपके सामने मैं तो कुछ नहीं हूं, आप जो लिखते हैं आप लिखते हैं। बोले नहीं नहीं, मेरे सामने ही आप हैं और बहुत बड़े हैं, मैं आपको अभिनंदन करने आया हूं कि आप तो सरस्वती पुत्र हैं, ये कहना था। इतने बड़े राइटर्स के मुंह से ये सुनने के बाद मैं और खुश हुआ, लेकिन मैंने अपनी विनम्रता कभी नहीं छोड़ी किसी के सामने, आज भी नहीं छोड़ी है। आज भी मैं विनम्र होकर रहता हूं, आज भी मैं सबके साथ विनम्र होकर ही बातें करता हूं, सबके साथ दोस्ती है, सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं। अगर मैंने अब तक मेरे बायोडाटा में, रिज्यूम में अब तक 75 से ज्यादा डायरेक्टर के नाम है जिन्होंने मेरी लिखी स्क्रिप्टें डायरेक्ट की है, कर चुके हैं। 75 से ज्यादा डायरेक्टर मेरी स्क्रिप्ट डायरेक्ट कर चुके हैं और उनमें से ढूंढने से दो भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं इंसान अच्छा नहीं हूं या मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है या मैं लेखक अच्छा नहीं हूं। तीनों चीजें जब एक साथ जुड़ती हैं ना तो वो सफलता का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। पहला सीरियल था पलटन, अंजन श्रीवास्तव ने रोल किया था उसमें। और उसके बाद दूसरा सीरियल आया जो मैंने 20 से लिखना शुरू किया था, उसका टाइटल था मैं अनाड़ी तू अनाड़ी, जिसके कुछ एपिसोड मैंने लिखे जिसमें शेखर सुमन ने अभिनय किया था। उसके बाद उसके जो डायरेक्टर थे मनोज लालवानी, मैं उनके साथ भी रहा लेखन में क्योंकि वो भी बहुत अच्छे लेखक हैं, तो वो डायरेक्टर बन चुके थे तो वो मुझे सपोर्ट करते थे कि तुम वहां जाके लिख लो, वहां जाके लिख लो। तो इस तरह से मेरे लेखन का सफर शुरू हुआ और मैं खुश हूं कि मुंबई आने के बाद मुझे मुंबई ने अपनाया, स्वीकार किया, मुंबई मेरा कर्म, मेरी कर्मभूमि बनी और आज मेरे पास अपनी उपलब्धियां हैं, उपलब्धियों का भंडार है, तमाम सम्मान, अवार्ड, फिल्में, सीरियल। अभी भी कहा यह जाता है कि हम चार प्रोजेक्ट करते हैं, लिखते हैं, उसमें से कोई एक प्रोजेक्ट ऑन हो पाता है, टीवी पर आ पाता है या पर्दे पर आ पाता है। ये फिर ऐसा है, चार फिल्में शुरू होती हैं, एक फिल्म पर्दे पर आ पाती है, तीन फिल्में रुकती हैं, कहीं ना कहीं जाके अटकती हैं, रुकती हैं। अब अगर मैं ये दावा कर रहा हूँ कि मेरे 5000 से ज़्यादा एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं, 60 से ज़्यादा सीरियल टेलीकास्ट हो चुके हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने लिखा कितना होगा। जो टेलीकास्ट नहीं हुए होंगे उनकी तो कोई गिनती ही नहीं, वो स्टोरी जो जिस पर सीरियल बनी लेकिन टेलीकास्ट नहीं हो पाया, वो फिल्में जो शुरू हुई और कंप्लीट नहीं हो पाई, वो फिल्में जो कंप्लीट होने के बाद भी पर्दे तक नहीं आ पाई, तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। इस फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया, अगर कहा जाए तो उम्मीद से ज़्यादा, लेकिन उम्मीदें तो फिर भी हैं क्योंकि सपने तो दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं। 12 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं लेकिन फिर भी अभी उम्मीद है, इंतज़ार है किसी बड़ी फिल्म का, और तमाम प्रोजेक्ट पे काम चल भी रहा है। हो सकता है आने वाले वक्त में आपको मेरी उस तरह की बड़ी फिल्में भी देखने को मिले जिसे देख के आप भी हैरान हो, कुछ इस तरह के सब्जेक्ट, कुछ इस तरह की कहानियाँ, बहुत बड़ी तैयारियाँ हैं मेरे पास। उपलब्धियों की बात करें तो अब तक
समय समय पे अवार्ड सम्मान पुरस्कार प्राप्त होते रहते हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग शहरों से बुलावा आता है जहाँ सम्मान मिलते हैं। सरस्वती कला रत्न, साहित्य शिरोमणि, संवाद कला रत्न, तमाम अवार्ड सम्मान अब तक मिले हुए हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश रत्न से मुझे सम्मानित किया गया, ये भी एक उपलब्धि ही कही जाएगी, जो मेरे लिए खुशी की बात है। तो इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं अपनी उपलब्धि से खुश हूँ, लेकिन आगे अभी सफर बाकी है, अभी बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल करनी बाकी है। और आज तो हम इतने सक्षम भी हैं कि उन उपलब्धियों को हासिल कर सकें। जब मुंबई आया था तब तो कोई सहारा नहीं था, कोई एक आदमी जानने वाला नहीं था, लेकिन आज तो पूरी इंडस्ट्री जान रही है। इतना सब कुछ लिखने के बाद, इतना करने के बाद, आज तक जितने लोग जुड़े हैं सब लोहा मानते हैं इस बात का, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। यही ईश्वर की देन है। मैं अपनी सारी उपलब्धियां समर्पित करता हूँ ईश्वर, क्योंकि मेरा शुद्ध तौर पर मानना है कि जो भी हम करते हैं वही करवाता है, वही रास्ते दिखाता है। आप लोग शायद यकीन न करें, लेकिन सच है कि जब कहीं से मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है कि हमें इस तरह की कहानी चाहिए, और मैं वो कहानी सोचते सोचते दो घंटे चार घंटे परेशान हो जाता हूँ, तो सीधे ईश्वर से बात करता हूँ। ये पागलपन है, लेकिन सच है कि मैं ऊपर वाले से कहता हूँ कि तुम्हें देना है दो, नहीं देना है मत दो। अगर कहानी नहीं सोच पाया तो कल अगले को मना कर दूंगा। और उसी वक्त बात बनती है, कुछ ऐसी घटना हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, कुछ ऐसे प्लॉट दिमाग में आ जाएंगे कि उसी वक्त कहानी बन जाएगी और मैं फोन करके अगले को बताऊंगा कि आपको जो चाहिए वो रेडी है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद है ये। कहा जाता है कि लेखन, लेखक और रचनाकार को गॉड गिफ्ट, सारी रचनाएं गॉड गिफ्टेड होती है, और मेरा ये शुद्ध तौर पर मानना है कि ये ईश्वर की दी हुई उपलब्धि है या आशीर्वाद है कि मैं आज लेखक हूँ, इतना बड़ा लेखक हूँ। और मैं कह सकता हूँ 300 कहानियाँ तो टेलीकास्ट हो चुकी हैं, कोई दो चार कहानियों की बात करेगा, मेरे कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे आज 500 से ज़्यादा कहानियाँ रेडी तैयार। मेरे परिवार में मेरी मिसेज है श्रीमती सुनीता जायसवाल, मेरे तीन बच्चे हैं, बड़ा बेटा शुभांकर जायसवाल, दो बेटियां हैं मानसी जायसवाल और आदिति जायसवाल, बस एक छोटा सा परिवार है। और अपने परिवार में मैं खुश हूँ, ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने इतना अच्छा परिवार दिया है। मेरा बेटा शुभांकर VFX की पढ़ाई की है और VFX का अच्छा जानकार है, तो जाहिर है वो फिल्म इंडस्ट्री में VFX वर्क में ही जाएगा, वो भी क्रिएटिव वर्क है, बहुत बड़ा क्रिएटिव वर्क होता है। और दोनों बेटियां पढ़ाई कर रही हैं, वो किस फील्ड में जाएंगी, उनका कैरियर क्या होगा, इसका फैसला तो वही करेंगी। घर में हम चार भाई बहन थे, मैं सबसे छोटा था। सबसे बड़े भाई मेरे भैया थे ब्रह्मा प्रसाद जायसवाल, उसके बाद दो बहनें थीं और मैं सबसे छोटा था। दुर्भाग्य कहिए या विडम्बना कहिए कि जब मैं 7 साल का था तभी मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, लेकिन छोटा होने के नाते भाई बहन और माँ सबका प्यार मिला। कभी मुझे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी गई। और मेरे भाई बहनों ने भी हर बात के लिए हमेशा मुझे प्यार दिया, मेरा समर्थन किया। मेरे भाई बहनों ने ही मेरी शादी करवाई, मेरी बहन शकुंतला ने शादी का सारा बोझ उठाया, मेरे जीजा सुधीर जायसवाल ने मेरा साथ दिया, मेरी बड़ी बहन जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, भिलाई में है, उसने मुझे हर कदम पे मदद की, सहारा दिया। तो आज मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और खुशहाल हूँ।